पुलिस हेडक्वार्टर पर अफसर ने चाय का ऑफर दिया तो अखिलेश यादव ने कहा, मुझे भरोसा नहीं, जहर दे दिया तो। लखनऊ पुलिस ने सपा ट्विटर हैंडल के मेंबर और कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। वह वहां कैंटीन में कार्यकर्ता के साथ बैठ गए। अखिलेश के पहुंचने का पता चलते ही थोड़ी देर में सीनियर पुलिस अफसर भी वहां आए। इस दौरान ज्वाइंट सीपी पीयूष मोरडिया ने अखिलेश को चाय का ऑफर किया तो उन्होंने मना कर दिया। कहा, यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, हम यहाँ की चाय नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब। हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है, आप अपनी चाय पीजिए, हम अपनी चाय पियेंगे। इस दौरान उन्होंने एक कार्यकर्ता को बाहर से चाय लाने की बात भी कही। उधर अखिलेश के पहुंचने का पता चलते ही बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। वो गेट पर धरने पर बैठ गए, वहां पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। करीब 2 घंटे अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय में रहे। इसके बाद यहां से अखिलेश लखनऊ जेल में मनीष से मिलने पहुंचे। उनके साथ सपा के कई नेता भी थे, लेकिन अखिलेश को कार्यकर्ता से मिलने नहीं दिया गया। इस पर सपा प्रमुख ने कहा कि मैं यहां जेल में मनीष से मिलने आया था, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी गाली गलौज करती है, बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट से हमारी पत्नी, परिवार और बच्चियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी पुलिस का गलत इस्तेमाल करती है। वहां से हमारे विकास अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो बाहर जाने नहीं पीएंगे, यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे कब आप ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा, हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब। हाँ, नहीं नहीं हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाहे, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए, अब खाने से दोगे कहीं से बाहर से, हम